ओ घर राजा परदेसी के तेरी मेरे एक जिंदड़ी मैं निकला ओ गड्डी लेके कटोरा लेकर घूमोगे कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी ब्लॉग में सबका स्वागत है। दोस्तों आज है 15 अगस्त। सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बताई। दोस्तों आप लोगों को पता है कि अभी 11 तारीख को नया पिक्चर रिलीज हुआ है गदर 2, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और हाउसफुल चल रहा है, उसका टिकट मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो मैं भी दोस्तों क्योंकि पता किया तो एक दिन दो दिन पहले का ही बुक हो जाता है कि मिल नहीं रहा टिकट, तो मैं भी सोचा कि आज का मिला है मेरे को, ऑनलाइन बुकिंग किया था, आप देख सकते हो मोबाइल में। तो दोस्तों अभी मेरा सोए 3:15 में, तो मैं अभी यहाँ से निकलने वाला हूँ। तरुण टाकिस का लिया हूँ मैं, एलवी सिनेमा के नाम से चलते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों आप लोग पिक्चर देखने से पहले जो इसका पहला पार्ट है उसको देख लेना, काफी अच्छा है। मैं क्योंकि आज रात में देखा था, पहला पार्ट काफी अच्छा लगा, तो अभी मैं सेकंड पार्ट देखने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो में बने रहो, मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन में प्रेस कर लेना ताकि अन्य नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, चलते हैं तरुण टाकिस। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा भीड़ है, आप देख सकते हो थिएटर में। और ये तरुण टाकिस है और ये है अप्सरा, जिसमें OMG लगा है और गदर 2 भी लगा होगा शायद इसमें, और इधर OMG और गदर 2 दोनों लगा, आप देख सकते हो। तो पहले मैं अपना टिकट ले लेता हूँ क्योंकि मैं ऑनलाइन बुकिंग कराया था। तो चलते हैं अब टिकट काउंटर के पास। दोस्तों आप देख सकते हो मैं गाड़ी पार्किंग में आ गया और पार्किंग कर लिया, और इस तरह से 15 अगस्त के दिन डेकोरेशन किया गया है, आप देख सकते हो गया ना भाई, ये देख सकते हो। तो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ का माहौल और मूवी कैसा है, तो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा भीड़ है इस तरह से, और 15 अगस्त की वजह से देख सकते हो डेकोरेशन किया गया तिरंगा पूरा बैलून से, आप लोग देख सकते हो। बहुत समय पहले की बात है, सुआता नामक व्यक्ति का प्रकोप भारतवर्ष के बुंदेलखंड थे कि एक दिन हमारी जमीन हमारे लोग, फिर मेजर हामिद इकबाल कैसे छुप रहेगा? उसकी बटालियन के तो 40 जवान मारे गए, वो भी एक हिंदू की वजह से, एक हिंदुस्तानी की वजह से। किसी के वास्ते होते हैं दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तेरी यादें मेरे सारे गीत बने, मेरे दिल की फरियादें ओ घर राजा परदेसी के, तेरी मेरी एक जिंदड़ी।
मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया मैं दिल छोड़ आया बाप के सामने बेटे का कत्ल क्या मंजर है। मेरे 40 जवानों को मार कर गया था ना तू, आज मिलेगी मेरे कलेजे को ठंडक। तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मेरी लड़ाई हर हिंदुस्तानी से है। हिंदुस्तान मुसलमानों का है, हिंदुस्तान क्रिश्चियनों का है, सिखों का है, हिंदुओं का है, हर हिंदुस्तानी का है। और इन सबने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी है, कुर्बानियां दी है। तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। तुम्हारा ये सियासी फन तुम्हें भिखारी बना देगा। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। आज ये क्या उखाड़ता है? कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, सात समंदर जितना अपनी आंखों में है पानी। मेरी जमीन मेरे पाकिस्तान में खड़े होकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे? हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। दोस्तों मैं मूवी देख के घर आ गया। मूवी बहुत ही अच्छा था, बहुत पसंद आया। और आप लोग भी जाइए एक बार मूवी देखिए, आपको भी पसंद आएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सनी सर जो है पहला पार्ट में अपने पत्नी को बचाने के लिए पाकिस्तान जाता है और सेकंड पार्ट में अपने बच्चे को बचाने के लिए पाकिस्तान जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग भी जाइए, क्योंकि मैं ज़्यादा बताऊंगा तो आपको मूवी देखने में पसंद नहीं आएगा। तो आप लोग भी जाइए और देखिए, वहाँ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और अभी तो बहुत हाउसफुल चल रहा है, आप लोगों को पता है कि टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग भी एक बार जरूर जाके देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर साइन करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मेरे चैनल में न्यू तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।